रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिबवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। ग्रेड 3 लेक्चर नंबर 7 मैथ्स यूनिट नंबर 3 एंड आवर टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 49 एंड आवर लर्निंग जोन इज मल्टीप्लिकेशन बाय टू डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स आज जो हमारा काम है वो हमने ये करना है कि हम जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट है उसको किस तरह से परफॉर्म करवा सकते हैं। आपको पेज नंबर 49 पे एक एग्जांपल गिवन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 16, चेक वेदर द आंसर इज रीजनेबल। हमने जो है वो 12 और 16 की मल्टीप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करवानी है और इसका आंसर रीजनेबल होना चाहिए। देन स्टूडेंट्स अब आप देखिए 12 भी आपके पास टू डिजिट नंबर है और 16 भी आपके पास टू डिजिट नंबर है। देन स्टूडेंट्स अब हम जो है वो स्टूडेंट इस तरह से इसको राइट करेंगे, 12 देन 16 को चेक करेंगे कि 16 में 6 हमारे पास वंस के कॉलम में राइट होगा और 1 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स वो राइट होगा टेंस के कॉलम में। देन अब हम इसकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हमारे पास 12 शो होता है। 12 हम फुली राइट नहीं करेंगे, उसमें से जो उसकी ग्रुपिंग करेंगे रीग्रुपिंग करेंगे, 2 हमारे पास वंस के कॉलम में आएगा, देन 1 जो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो टेंस के कॉलम में शो ऑफ होगा। इस तरह से 1 जो है वो हम कैरी शिफ्ट कर देंगे नेक्स्ट टेंस की अमाउंट को। देन स्टूडेंट 6 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास 6 अमाउंट आती है, देन जो हमारे पास 110 जो है वो हमारे पास एक कैरी भी गिवन है वो भी हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 7। मल्टीप्लिकेंड बाय वंस ऑफ द मल्टीप्लायर 12 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई करवाया स्टूडेंट्स अब हमारे पास आंसर जो है वो 72 शो हो रहा है। देन स्टूडेंट स्टेप नंबर जो आप लोगों के पास है 2, उसके अंदर जो स्टूडेंट्स अब आपको शो हो रहा है वो स्टूडेंट्स इस तरह से हम एज इट इज़ राइट करेंगे अपना क्वेश्चन। जो जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं उसको एज इट इज़ इस तरह से वंस के कॉलम में 2 एंड टेंस के कॉलम में 7 राइट कर देंगे। देन स्टूडेंट्स अब आप देखिए 6 जो है वो हमने वंस की अमाउंट और टेंस की अमाउंट दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है। हमारे पास 100 की अमाउंट जो है वो गिवन नहीं है, हमारी जो 100 का कॉलम है वो गिवन नहीं है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो वंस एंड टेंस की हैं। तो अब हम जो टेंस के कॉलम में नीचे 1 प्लेस है 1, उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे वंस की वैल्यू से भी और टेंस की वैल्यू से भी। जब हमने 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है देन स्टूडेंट्स अब आप देखिए जब आप नेक्स्ट नंबर लेंगे तो जो आपका वंस का कॉलम है वो ब्लैंक होगा, उसको नीचे हम 0 प्लेस करते जाएंगे। नेक्स्ट नंबर जब हम यूज़ करेंगे तो हम उसी तरह से 0 प्लेस करते जाएंगे, हम वंस का कॉलम जो है वो ब्लैंक होगा, हम उसके नीचे जो है वो इसी तरह से 0 प्लेस करेंगे। देन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आंसर आएगा 2। 1 एक ऐसा नंबर है उसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास रिजल्ट वही नंबर शो होता है। 1 को अब हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया आपके पास 1 आंसर शो हुआ है। देन अब हमने इन वैल्यूज़ को करना है ऐड, प्लस करना है इन वैल्यूज़ को। जब हम स्टूडेंट्स इसको ऐड अप करेंगे अब जो हमारे पास फुल क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। हमने 6 को भी मल्टीप्लाई करवाया था, देन 1 को भी मल्टीप्लाई करवाया ऊपर दोनों अमाउंट से, 12 को जो है स्टूडेंट्स वो हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 120 आंसर शो हुआ है। जो 0 है वो हमने प्लेस करते जाना है इस तरह से कि जब हम नेक्स्ट नंबर्स को यूज़ करेंगे। देन स्टूडेंट स्टेप नंबर जो आप लोगों के पास 3 है एज इट इज़ हम इसी तरह से क्वेश्चन राइट करेंगे, वंस के कॉलम में 2 राइट करेंगे, टेंस के कॉलम में 7, देन वंस के कॉलम में हमारे पास नीचे अमाउंट थी 0 और इसमें हमारे पास 2 थी, टेंस के कॉलम में 100 के जो कॉलम है वो हमारे पास शो नहीं हो रहा लेकिन जो वैल्यू है वो हम 100 के कॉलम में इस तरह से राइट करेंगे और इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट्स जब हम 2 में जो है वो 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो इटसेल्फ 2 ही शो होगा। इस तरह से जब हम 0 में कोई भी अमाउंट ऐड करते हैं हमारे पास एज इट इज़ वही इटसेल्फ वही वैल्यू जो है वो शो होती है। अब 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा स्टूडेंट्स 9, देन 1 जो है उसके अपर जो वैल्यू वो मिस है उसको हम 0 ही कंसिडर करेंगे तो हम उसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ 1 इसी तरह से राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आप लोगों के पास 2 डिजिट जो था वो क्वेश्चन गिवन था, आपने उसको मल्टीप्लीकेशन करवाई, उसकी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवाई, आपके पास जो नीचे आंसर शो हो रहा है वो रीजनेबल है और आप लोगों का ये प्रोडक्ट है 192। स्टूडेंट ये आपका आफ्टर सोल्यूशन जो है वो आपके पास ये आंसर गिवन हो गया है, ये इसका प्रोडक्ट है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट नंबर्स की। देन स्टूडेंट इसी पेज पे आपके पास पेज नंबर 49 पे एक और एग्जांपल गिवन है। फाइंड
फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 110 एंड 12। स्टूडेंट्स अब आप देखिए आपके पास एक जो वैल्यू है वो 3 डिजिट की है और सेकंड जो वैल्यू है वो आपके पास 12 डिजिट की शो हो रही है। मीन्स के जो आपके पास 12 है वो 2 डिजिट का शो हो रहा है। एक जो वैल्यू 110 है वो आपके पास जो है स्टूडेंट वो 3 डिजिट की है, देन 12 जो है वो आपके पास 2 डिजिट का नंबर है। अब हमने इनके दरमियान जो है मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करवानी है। हम इसके इस तरह से कॉलम बना लेंगे 1s, 10s, 100s, 1000s। अब देखिए जो 110 हमारे पास है इसमें 0 हमारे पास 1s की प्लेस पे है, 1 जो है वो 10s की प्लेस पे है, एंड देन अदर 1 हमारे पास 100 की प्लेस पे है, और 1000 की जो प्लेस है वो हमारे पास ब्लैंक है क्योंकि हमारे पास 1000 की अमाउंट नहीं है। देन स्टूडेंट अब 12 जो है उसमें 2 हम 1s के कॉलम इस तरह से राइट करेंगे और 1 जो है वो 10s के कॉलम इस तरह से राइट करेंगे। देन मल्टीप्लीकेशन इसकी स्टार्ट करेंगे, आप जो है वो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे देन 0 आंसर आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 आंसर आ जाएगा 10s के कॉलम में, देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएगा 100 के कॉलम में आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह से 220 आपके पास आंसर इस तरह से शो होगा। देन स्टूडेंट्स अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है, 1 को जब हम नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1s के कॉलम में 0 राइट करेंगे, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपके पास 1 आंसर शो हो जाएगा, देन 1 को 1 से अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1 आंसर इस तरह से शो हो जाएगा 1000 के कॉलम में। देन स्टूडेंट्स अब हमने इन वैल्यूज़ को करना है ऐड। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ को क्लियर किया है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है अच्छे तरीके से। देन स्टूडेंट्स अब जो है अब इनको ऐड करना स्टार्ट कर रहे हैं। टेंस के जो हमारे पास 1s का कॉलम है 0 में 0 जब हम ऐड करेंगे, 0 वैल्यू जो है वो 0 में ऐड करेंगे हमारे पास 0 आंसर आएगा, देन 2 को जब हम 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर शो होगा, देन 2 में जब हम 1 प्लस करेंगे 1 ऐड करेंगे हमारे पास 3 आंसर शो होगा, देन 1 जो है उसको अपर जो वैल्यू वो मिसिंग है तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे तो हम इसको ऐड अप करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1। अब आपके पास जो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट शो हुआ है वो ये है 1320। स्टूडेंट ये आपके पास जो है अभी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो है हमारे पास एक वैल्यू 3 डिजिट की थी और एक वैल्यू हमारे पास 2 डिजिट की थी, हमने उनके मल्टीप्लीकेशन को इस तरह से परफॉर्म करवाया तो आपके पास आफ्टर मल्टीप्लीकेशन जो आपके पास प्रोडक्ट शो हो रहा है वो 1320 है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोगों ने इसको अपनी जो नोटबुक्स है उसके ऊपर प्रैक्टिस भी इसकी करनी है। देन स्टूडेंट्स अब आप जो हैं वो स्टूडेंट अपना जो होम टास्क है वो नोट डाउन कर लीजिए। प्रैक्टिस ऑन पेज नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 1 डू ऑन बुक, प्रैक्टिस ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर जो एग्जांपल्स हैं आप लोगों ने उसकी जो है वो अपनी जो रफ नोटबुक्स हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। देन स्टूडेंट एंड ऑफ लेसन, आई होप आप लोगों ने स्टैंडर्ड जो लेसन है आप लोगों का इसको अंडरस्टैंड किया होगा। देन स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी मल्टीप्लीकेशन में डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं हमसे, और स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो अपना काम टाइमली डन करके स्कूल चेकिंग के लिए टाइम से जो है वो सेंड कीजिए ताकि आपकी जो करेक्शन है वो भी टाइमली हो जाए और आप लोगों का जो काम है वो टाइमली चेक हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।